हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए और हर नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर है, वो दूर हो जाए। मेरी यही प्रार्थना है यूनिवर्स से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आ गया है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। और डियर, इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो हम थर्ड पार्टी सिचुएशन में आज ये देखेंगे कि 7 डेज के भीतर क्या हो सकता है। ये आने वाले 7 दिन जो है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का नजरिया जो है वो क्या रहने वाला है, क्या इन दोनों के बीच में ऐसा घटित हो सकता है जिससे कि ये 7 दिन इनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। तो टॉपिक आपके समझ आ गया होगा कि आने वाले 7 दिन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का नजरिया कैसे रहने वाला है। कार्ड निकालने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि दोनों की नींद जो है उड़ने वाली है, कहीं ना कहीं बेकार हालत आने वाली है, कंफ्यूजन बहुत होने वाला है और आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो यहाँ पर शफलिंग के दौरान ही, शफलिंग करने से पहले ही कार्ड ऐसे दिखे, इसलिए मैंने बताया कि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि अब आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो आने वाले 7 दिन पार्टनर का नजरिया थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी का नजरिया पार्टनर को लेकर क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। काफी कार्ड निकालेंगे, पूरी डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, पर डियर आपको डिटेलिंग में पता चलना भी जरूरी है कि क्या है इन दोनों का नजरिया। क्या आपके पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर गए? क्या आपके पार्टनर वाकई में धोखेबाज तो नहीं थे? क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कहने में तो नहीं थे? आप तो अपने पार्टनर को अपना मान रहे थे, लेकिन ये आपके जो अपने पार्टनर है वो आपके अपने थे ही नहीं। तो वो सारी चीजों को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया था, थर्ड पार्टी ने ऐसी कौन सी मोहमाया आपके पार्टनर के पीछे लगा दी थी कि जो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे इतने पागल हो गए कि उन्होंने आपके साथ में गलत कर दिया। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी, आपको पता है कि आप दोनों के रिश्ते में लाई हुई जो इतनी सारी दूरियां आई है, इतना सारा डिस्टेंस आया है, उसमें जो थर्ड पार्टी आई है वो थर्ड पार्टी के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और डियर, इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही आप ये वीडियो देखिए, वरना स्किप कर दीजिए। जबरदस्ती का थर्ड पार्टी के बारे में वीडियो देखकर अपनी लाइफ को खराब करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है डियर, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो नो कॉन्टेक्ट से है, लव रीडिंग से रिलेटेड है ना, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसमें से कोई सी भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखिए हालात कैसे चल रहे हैं, दोनों का नजरिया क्या है और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। कार्ड देखकर तो आपको भी अंदाजा हो रहा होगा। चलिए मैं एक बार कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप देख रहे हैं टेम्परेंस की भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ओके डियर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, हर्मिट का कार्ड है हमारे पास में। यहाँ पर द फूल की एनर्जी आई है। ओके, द फूल एनर्जी है, चलिए इसे हम यहां रखते हैं। फैमिली इशू भी रहा है, थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रही है, जिस तरह के हम रीडिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर थर्ड पार्टी कंफर्म है कि आपके लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा बाधाएं आई हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। बहुत ही बुरी तरह से मूव ऑन हुआ है आपका रिश्ता, बहुत ही बुरी तरह से नेगेटिविटी आपके रिश्ते में आई है और इस नेगेटिविटी से सबसे ज्यादा अगर कोई टूटा है तो वो आप टूटे हैं। मेरे व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, आज आपकी जिंदगी जिस मुकाम से गुजर रही है, बहुत जगलिंग वाले दौर से आप गुजर रहे हो, हालांकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 6 ऑफ कप्स। ओके, चलिए और कार्ड हम लेते हैं डियर, कि यहाँ पर क्या कार्ड है। बॉटम की एनर्जी को देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है, इस थर्ड पार्टी ने विक्ट्री हासिल करी है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है ये कि थर्ड पार्टी ने विक्ट्री हासिल करी है और इसका, इसको बहुत घमंड भी है कि इसने आपके पार्टनर को जीत लिया है। चलिए हम दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड निकालते हैं ताकि एनर्जीज जो है हम मैच कर सकें कि क्या एनर्जी सेम है, क्या है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन अभी, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का नजरिया क्या है, क्या है दोनों का नजरिया एक दूसरे को देखने का, और क्या चीजें हैं वो चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके,
चलिए शफलिंग हो रही है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं कि क्या है इन दोनों के बीच में एक दूसरे को देखने का नजरिया, और आने वाले 7 दिन क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है जिससे कि थर्ड पार्टी और पार्टनर का हाल जो है वो हमें पता चल सके। देखते हैं यहाँ पर, ओ माय गॉड, 9 of Swords की एनर्जी है। यहाँ पर 10 of Cups, ओहो बड़े ही अच्छे इरादे के साथ गए थे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ, है ना, बहुत एफर्ट्स डाले आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की तरफ, बहुत ज्यादा चीजें दिखाई, दिखावा बहुत करते हैं आपके पार्टनर, है ना डियर, बहुत ज्यादा दिखावा किया है आपके पार्टनर ने, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। 5 of Wands की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आया है यहाँ पर, मैं इस तरह से रखती हूँ ताकि आपको कार्ड, चलिए ऐसे रख देते हैं, है ना, 4 of Cups की एनर्जी निकल के आई है डियर। यहाँ पर हमारे पास में कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का रिश्ता जो है, इन दोनों को देखने का जो नजरिया है ना, वो बहुत ही अलग हो चुका है अब, पहले और अब में बहुत फर्क मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा चीजें जो है पूरी तरह से खत्म होती हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं, चीजें जो है बहुत ही खत्म होती हुई दिख रही है, और पैसों का इशू इन दोनों के बीच में दिख रहा है, और इतना ज्यादा नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है दोनों के रिश्ते में कि आप समझ सकते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। और बॉटम की एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं तो डियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 of Swords है, और यहाँ से भी 6 of Swords है, मतलब कि ये रिश्ता जो है दोनों ही डेक से सेम एनर्जी निकली है कि ये जो 6 of Swords है ये बता रहा है कि भैया थक हार के निकलना ही पड़ेगा अब आपके पार्टनर को या फिर थर्ड पार्टी को। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का निकलने का जो टाइम है वो आ चुका है, और अब आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, समझ लीजिए। एक तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय, देखिए बॉटम की एनर्जी से क्या चीजें निकली है, यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा आ गया है कि यहां पर ये थर्ड पार्टी का जो भी चल रहा है ना, जिस भी तरह की नेगेटिविटी थी, जो भी था, एक टावर मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, और इस टावर मूवमेंट में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। चलिए कार्ड्स को हम रखते हैं साइड, और डियर पूरी रीडिंग पर हम फोकस करते हैं कि क्या है इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का नजरिया एक दूसरे को देखने का, कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में। देखिए पार्टनर का नजरिया थर्ड पार्टी के लिए क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं तो इन 7 दिन में ऐसा लग रहा है पार्टनर का माइंड जो है चेंज होगा। आप देखिएगा कि पार्टनर के माइंड में बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है, बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारा चेंजेस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस पार्टनर के माइंड में। ऐसा लग रहा है कि इनकी सोच जो है वो बदलने वाली है ना, ऐसे तो कोई चीज चेंज नहीं होती है, या तो यूनिवर्स का इसमें कुछ हाथ होता है या फिर इंसान की सोच जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो कहीं ना कहीं पार्टनर का माइंड जो है वो चेंज करने वाले हैं, और ये आप देखिएगा 7 to 15 days के अंदर ये सारी चीजें होती हुई दिखेगी। बहुत सारे लोगों को कुछ बातें अपने पार्टनर से पता चल सकती है, बहुत सारे ऐसे चीजें आपको पता चलेगी, या फिर लाइफ में ऐसा कुछ आप देखेंगे कि आपको फील होगा कि हाँ यार ये थर्ड पार्टी और पार्टनर का हाल तो 7 से 15 दिन के अंदर बहुत बुरा हाल है, ठीक है, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, थर्ड पार्टी और पार्टनर के पीछे कोई हाथ धोकर पीछे पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सब कुछ खत्म होने वाला है, आप समझ सकते हैं सब कुछ खत्म होने की कगार पे है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में गैप आने वाला है, दोनों के बीच में जो भी कोई गैप लाने वाली जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो कोई लेडी की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक दरार डालने का काम करने वाली है, एक लेडी, है ना, एक अभिशाप की तरह इनके लाइफ में कोई आकर इन दोनों की जिंदगी को अनबैलेंस करने वाला है ना। जितना बैलेंस, जितनी विक्ट्री इस थर्ड पार्टी ने हासिल करी है वो सारा कहीं ना कहीं चकनाचूर होने वाला है। हो सकता है थर्ड पार्टी की फैमिली से हो सकता है पार्टनर की फैमिली से हो, जिसको पता है कि थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ में है, और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ में है, और शायद वहां पर थर्ड पार्टी की फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में कोई रिलेशन बने। तो यहाँ पर एक अभिशाप की तरह
मुझे इन दोनों के रिश्ते में चीजें होती हुई दिख रही है। डियर आप समझ सकते हैं, मुझे ये लग रहा है कि दोनों के रिश्ते में दरार लाई जा रही है। दोनों के रिश्ते में एक ऐसी दरार आएगी जिससे कि दोनों का रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। अभिशाप लग रहा है, ठीक है, जो होगा ना अचानक होगा, सडन। क्या होता है, टावर मूवमेंट जो आएगा वो सडन आएगा, क्योंकि समय समय बता रहा है कि टावर मूवमेंट को आना होगा। और ये समय ही है जो टावर मूवमेंट को यहाँ पर ला रहा है, समय ही है जो टावर मूवमेंट को यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए अचानक से होगा, ये पार्टनर जो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर गेम प्लान करे थे, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कुछ गेम प्लान करा था, कुछ ऐसी गेम की प्लानिंग करी थी कि कहीं ना कहीं वो जो गेम खेला था ना, इनको लगा था कि ये आपकी आंखों में धूल झोंक देंगे। आपके पार्टनर की बात कर रहे हो डियर, आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ था कि वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में रखेंगे, दोनों जगह बैलेंस बनाने की बातें यहां पर निकल के आ रही है, तो इनको लगा था कि आपकी आंखों में धूल झोंक देगा बंदा। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इस आंखों पे धूल झोंकने के अलावा भी ऊपर ही शक्ति भी होती है, डिवाइन भी कुछ होता है, यूनिवर्स भी होता है। नीचे किसी को नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ बैठे बैठे देख रहा था, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी जो आपके पार्टनर ने करी है। तो यहां पर आपके पार्टनर को दंड मिलता हुआ दिख रहा है, जो गेम खेला है ना, आपकी आंखों में जो धूल झोंकी है इस इंसान ने, है ना, कि कभी पता नहीं चलेगा ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ दिन रात बात करना, है ना, चैटिंग करना, आपको सब चीज का अंदेशा हो गया था कि यार ये पार्टनर जो है दिन रात फोन पे लगा रहता है, कहीं छुप छुप के कोने में जाता है, कहीं छुप छुप के कोना ढूंढता है, बात करता है, चैटिंग करता रहता है, अपने फोन को बड़े सीने से लगाए घूमना, अपने फोन को किसी को देना नहीं, वॉशरूम जा रहे हैं तो अपना फोन साथ में ले जाना, सो रहे हैं तो अपनी बेड के नीचे अपना फोन रख लेना, इस तरह से जैसे कि फोन उनकी जान हो गया था, इस तरह की हरकतें भी आपके पार्टनर ने करी है। दिन रात है ना चैट करते रहना, अच्छी तरह से अट्रैक्ट थे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ। आप यूं समझ लीजिए कि यहां पर ये थर्ड पार्टी जो है इसकी तरफ आपके पार्टनर का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, किसी तरह का एडिक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, और बाहरी सुंदरता पर मर मिटे थे आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अट्रैक्शन में थे और बाद में कुछ ऐसा हुआ है। देखिए जो हालात अभी चल रहे हैं, मैं उस हालात को बता रही हूँ, अभी जो चल रहे हैं, जो होने वाला है वो मैं बता रही हूँ। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की जो बाहरी खूबसूरती थी, जिसको देखकर ये भागे थे, जिसको देखकर ये पीछे पीछे नाच रहे थे थर्ड पार्टी के, वो बाहरी सुंदरता जब वो क्लोज गए, जब वो उस थर्ड पार्टी के नजदीक गए, तो उनको हकीकत पता चली, समझ आया कि ये थर्ड पार्टी कोई जो है वो दिखावा है ना, कई लोगों के साथ में इसने दिल का खिलवाड़ किया है, दिल के खेलों के साथ, दिल में दिल के साथ खेल खेलना इसकी एक आदत सी है, वो चीज यहां पर दिख रही है। और आपके पार्टनर के साथ में भी इस थर्ड पार्टी ने दिल के साथ खेल खेल रही है, यहां और भी निशाना बनाया गया है। आपके पार्टनर को ये बात समझ आई कि थर्ड पार्टी जो है उसने कई लोगों को निशाना बनाया है, कई लोगों के साथ में इस थर्ड पार्टी के टर्म्स एंड रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छे हैं, आपके पार्टनर से भी अच्छे रिलेशनशिप है, और इस बात को वो जान पाई है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, देखिए पार्टनर के इरादे थर्ड पार्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि पार्टनर जो है कोई एक दिल में सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठा है बंदा थर्ड पार्टी के लिए, ना ना ना, ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही है। एक अट्रैक्शन, एक मौज मस्ती करना, एक इंजॉय करना, वैसी वाली फीलिंग्स यहाँ पर निकल के आ रही है, जिसको हम कहेंगे कि सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी की तरफ जुड़े हुए हैं, या फिर थर्ड पार्टी अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर के साथ में जुड़ी हुई है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। हो सकता है किसी और के लिए ये मैसेज जो है वो निकल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, लाखों लोगों की एनर्जीज हमारे साथ में जुड़ती है। ओके डियर, तो यहाँ पर मुझे काफी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि पार्टनर के इरादे तो थर्ड पार्टी के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में कोई तो कार्मिक रिलेशनशिप है। कार्मिक रिलेशनशिप, कई लोग पूछते हैं कार्मिक रिलेशनशिप, तो किसी तरह का कोई कार्मिक रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ में है। मैं इस बारे में काफी बार बता चुकी हूँ, आप मेरे इस पे चैनल पे कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में वीडियो सर्च कर सकते हैं, ठीक है, मैंने उस पे डाला हुआ है। देखिए आपके पार्टनर को, मेरे दूसरे चैनल पे डाला है, ठीक है, आपके पार्टनर को कहीं से
धोखा मिलने का मुझे यहाँ पर ये देखिए ना, धोखा मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी मिल रही है, एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि 7 से 15 दिन के अंदर आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने वाला है। कुछ तो नेगेटिव होने वाला है और ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होने वाली है, शायद कि ये होना भी जरूरी था, हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को कहीं से धोखा मिल सकता है, 7 दिन में कोई चीटिंग इनके साथ में हो सकती है, 7 दिन में थर्ड पार्टी इनको कोई टावर मोमेंट में डाल सकती है, किसी तरह का टावर मोमेंट इनके सामने आ सकता है और एक ऐसा टावर मोमेंट इनको फेस करना पड़ सकता है कि इनके पैरों तले जमीन भी खसक सकती है और बहुत ज्यादा नुकसान भी इनको हो सकता है। या पार्टनर के साथ कुछ सडन होगा और पार्टनर का भरोसा सबसे उठ जाएगा। जितना पार्टनर इस थर्ड पार्टी पे भरोसा कर रहे थे, आपको बुरा बता रहे थे, इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छा बताने की कोशिश करी थी, वो सारी चीजें जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें जो है गलत साबित होने वाली है और आपके पार्टनर की जिंदगी में एक टावर मोमेंट आ सकता है। या पार्टनर के साथ कुछ सडन होगा, कुछ तो सडन होगा और पार्टनर का भरोसा सबसे उठ जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि शायद अब किसी पे भरोसा करना या कोई भरोसे के लायक नहीं है, है ना? क्योंकि देखिए, जब भरोसा टूटता है ना, तो सबसे ज्यादा ठेस तब पहुंचती है जब आंख मूंद के किसी पे भरोसा करा जा रहा था और आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी पे भरोसा कर रहे थे, थर्ड पार्टी को अपनी दुनिया मान रहे थे। ये पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में जो टाइम पीरियड था ना, वो पूरा हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इसका एक साइकिल जो था, मेरी नेक्स्ट रीडिंग में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं बताया है, जो अभी मैंने रीडिंग करा था, कि इसका साइकिल जो है वो खत्म हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। तो पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में जितना टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि अब वो जो कड़वा सच है ना, आपके पार्टनर के सामने निकल के आएगा और ये पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में जो भी टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पार्टनर का कार्मिक रिलेशनशिप जो है वो स्टॉप होता हुआ दिख रहा है, अब पार्टनर को बदलना होगा। लेकिन अगर पार्टनर उस थर्ड पार्टी से नहीं निकलना चाहते हैं, उसी में उलझे पड़े रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन जो है दंडे मार मार के आपके पार्टनर को बाहर निकालेंगे। क्योंकि टाइम जब पूरा हो चुका है, आपके पार्टनर को सबक पूरा सीखने को मिल चुका है, यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। बदलना होगा आपके पार्टनर को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपनी चीजों को, सबको बदलने की जरूरत है, अपनी लाइफ को बदलना होगा। अगर ये नहीं बदलेंगे तो यूनिवर्स डिवाइन जो है इनको डंडे से पीटेंगे, इनको बहुत ज्यादा दंड मिलेगा, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपके पार्टनर के पापों का घड़ा भर चुका है, जितना पाप आपके पार्टनर ने करने थे कर चुके हैं। अब आपके पार्टनर को इस रिश्ते को तोड़ना होगा। आपके पार्टनर का यहाँ पर थर्ड पार्टी ब्रेकअप लिखा है, तो थर्ड पार्टी ब्रेकअप डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि भाई इतना ही होना है, इतना ही टाइम पीरियड है, इतनी ही चीजें हैं, ये होनी है, तो हो गया। अब आपके पार्टनर की जिंदगी से इस थर्ड पार्टी को जाना जरूरी है, तो ये रिश्ता टूटेगा। आपके पार्टनर की जिंदगी में अगर कोई कार्मिक थर्ड पार्टी थी तो इसका जाना एंड हो चुका है, इसको जाना ही पड़ेगा। एंड वाली सिचुएशन यहाँ पर आ गई है कि क्लेम करिए एनर्जी को यूनिवर्स डिवाइन, क्योंकि आपको ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी का एंड यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का रिश्ता बहुत कमजोर था। अगर हम पास्ट की बातें करें, हम बातें करें कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा था, तो थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत ही बेहद कमजोर रिश्ता था और रिश्ते की नींव जो थी वो बहुत कमजोर थी, है ना। उस रिश्ते को झूठ पे बनाया गया था, वो रिश्ता जो है जरूरत के हिसाब से जुड़ा हुआ था, वो रिश्ता जो है अपनी अपनी नीड को लेकर जुड़ा हुआ था। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये रिश्ता जो था अपनी अपनी नीड को लेकर जुड़ा हुआ था, और जो रिश्ता नीड पे जुड़ा हो, जो रिश्ता जरूरतों से जुड़ा हो, उसमें दिखावा भरी लाइफ होती है ना। फिजिकली अट्रैक्शन, फिजिकली अट्रैक्ट करना, बातों में उलझाना, ये बातें ज्यादा थी और इस बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे आपके पार्टनर। देखिए, हर बात हर किसी से रेजोनेट तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिसके लिए एनर्जी है आप उठा लीजिए। जी, आपको पता है कि आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टी के साथ में फिजिकली रिलेशनशिप बन चुका है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ डियर, कि मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि फिजिकली रिलेशनशिप इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है।
तो वही बात यहाँ पर निकल रही है। और तो और डियर, आने वाले 7 दिन इस थर्ड पार्टी और पार्टनर को वो मुकाम दिखाएंगे, वो चीजें दिखाएंगे कि इन दोनों की आंखें जो है खुलने वाली है। जितना इन लोगों ने चिटिंग करी है, जितना आपके साथ में हेर फेर करा है, आपके साथ में उल्लंघन किया है, आपके पार्टनर ने मर्यादाओं को उलांघा है ना, एक प्रतिवता स्त्री के साथ में कहीं ना कहीं छेड़खानी करी है, कहीं ना कहीं अपने प्यार को गलत ठहराया, आपको गलत ठहराया है ना, आपके प्यार की कदर नहीं करी, फिजिकल रिलेशनशिप के पीछे भागते रहे, अट्रैक्ट होते रहे है ना, प्यार नहीं था फिर भी इमोशनली उस थर्ड पार्टी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते रहे। जहां प्यार मिल रहा था, जहां इमोशंस जुड़े हुए थे, जहां दिल जुड़े हुए थे, उसको तो उन्होंने बेकार रिश्ता कह दिया, उसकी कदर नहीं करी है ना, मौज मस्ती करते चले गए, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते चले गए। 7 दिन में उलझने बढ़ने वाली है, 7 से 15 दिन यूं समझ लीजिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दर्द भरे ब्रेकअप वाली सिचुएशन से गुजरते हुए दिखेंगे। एक भी उंगली करेगा तो यूं समझ लो कि ब्रेकअप पक्का निश्चित है, यहां पर एंड होगा मतलब होगा, ठीक है। पार्टनर ने जो आपके साथ में, मुझे कई लोगों के पार्टनर की एक ऐसी एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर ऑन ऑफ करते रहते थे, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते थे, भाई मेरा बहुत काम है, मुझे बाहर जाना है, मुझे ऑफिशियली ये काम करना है, वो करना है, बहुत बिजी हूं मैं है ना, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस का जो एक बहाना करते रहते थे, ऑन ऑफ करते रहते थे, ये दूर रहने का जो बहाना था, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को टाइम देने का एक जरिया था, थर्ड पार्टी के साथ टाइम बिताने का एक जरिया था। लेकिन जब उस थर्ड पार्टी के पीछे, उस दिखावे भरी लाइफ के पीछे, सुंदरता के पीछे जब ये भागे, तो वो एक अलग मोड़ था। लेकिन अब की बात कर रही हूं कि अब आपके पार्टनर 7 से 15 दिन के अंदर इस थर्ड पार्टी से ऐसे घृणा करने लगेंगे, ऐसे नफरत करने लगेंगे, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाएगा। और ये दिख रहा है कि पार्टनर को लगा था कि दोनों लोगों को मेंटेन कर लेंगे, पार्टनर की सोच बता रही हूँ, पार्टनर को ऐसा लगा था आप तो यहाँ रह रहे हो, आप इस देश में हो, वो दूसरे देश में है, दोनों जगह बैलेंस कर लेंगे। लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, थर्ड पार्टी को भी पता चल गया आपके बारे में, या फिर थर्ड पार्टी का आपको पता चल गया, तो धमाल तो यहाँ हुआ है। पार्टनर की सच्चाई सबके सामने आ गई, जो बेवकूफियां पार्टनर ने करी वो निकल के आ गई, पार्टनर ने जो धोखे दिए वो निकल के आ गए, तो वो चीजें यहाँ पर निकलती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है डियर है ना। पार्टनर ने जो दूरियां बनाने की जो कोशिश करी थी, वो किसी के क्लोज जाने के लिए करी थी, ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि भांडा जो है फूट जाएगा डियर, पार्टनर का बैलेंस जो है पता चल जाएगा सबको, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है बैलेंस करने में लगा हुआ था, एक तरफ थर्ड पार्टी एक तरफ आप, दोनों को बैलेंस करने में लगा हुआ था। पार्टनर खुद थर्ड पार्टी की चालाकियों से हार जाएंगे, पार्टनर को लगता है कि पार्टनर बहुत शार्प माइंडेड है, पार्टनर को लगता है कि बहुत चालाक है, सबको मैनिपुलेट कर सकता है, सबको अपने कंट्रोल में कर सकता है, जैसे अपनी बातों से आपको रिझाया, जैसे आपको उलझा उलझा कर दूर रहे, थर्ड पार्टी के साथ में मौज मस्ती करी, तो इसको ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी को भी उलझा लूंगा, थर्ड पार्टी के भी साथ में मौज मस्ती कर लूंगा, पर थर्ड पार्टी तो इनकी अम्मा निकली डियर। यहां पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो दूर दूर तक पार्टनर की बातों में नहीं आने वाली, थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, थर्ड पार्टी मैरिड है, और यहां पर होटलों में नाइट बिताना, होटलों में रात बिताना, थर्ड पार्टी के काम मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक है। आपके पार्टनर को भी इसने सच नहीं बताया कि ये मैरिड है, आपके पार्टनर को भी इस थर्ड पार्टी ने ये नहीं बताया कि थर्ड पार्टी की दुनिया क्या है, ये थर्ड पार्टी रहती कहाँ है, थर्ड पार्टी का क्या सच है, कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन यहां पर ऐसा दिख रहा है पहले भी रिश्ता थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में ब्रेकअप पर पहुंचा था है ना, कुछ समय पहले आपके पार्टनर का आपने बिहेवियर देखा होगा, घर में रह रहे होंगे है ना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया होगा, और किसी से बात नहीं करना, बस ऐसे ही बैठे रहे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जाकर फिर वो उसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, धीरे धीरे जाकर वो थर्ड पार्टी के साथ में फिर से चूचूमे में शुरू हो गई। तो यहां पर पैचअप कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को मना लिया, वो वाली चीज दिखाई दे रही, लेकिन अब टाइम पूरी तरह से बर्बादी का आ गया है, पूरी तरह से ऐसा रिश्ता आ गया है कि पैसा बड़ा मायने रख रहा है। पहले क्या था, थोड़ा बहुत ये था कि भाई चलो ठीक है, एक दूसरे को समझ तो रहे थे, लेकिन अब तो जरूरत पैसा बन गई है, थर्ड पार्टी के लिए भी पैसा जरूरत बन गई है और पार्टनर के लिए भी पैसा जरूरत बन गई है, प्यार व्यार मायने नहीं रख रहा, ठीक है,
यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम मेरे लिए हाजिर हो तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, तुम मेरे पे पैसा खर्च करो तो मैं, मतलब एक सौदेबाजी वाली बात यहाँ पर निकल के आ रही है दोनों के बीच में। मुझे ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ने पार्टनर को हासिल तो करा है, विक्ट्री तो हासिल करी है, बट डियर आप यूं देखिए कि ये विक्ट्री एक स्पेल से करी गई है, या तो छल से करी गई है, या फिर आपके पार्टनर की सोच ही घटिया थी जो कहीं ना कहीं दोनों जगह पर बैलेंस करने के बारे में सोचा, फ्लर्ट करने के बारे में सोचा। ये 7 दिन खुद अपने रिश्ते को तार तार कर देगी ये थर्ड पार्टी, क्योंकि इसकी बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है। इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, इसका खात्मा शुरू हो चुका है, और डेथ का कार्ड जब निकल जाता है तो 100% मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जीज निकल के आती है कि इस थर्ड पार्टी का खात्मा जो है वो निश्चित हो जाता है। आपको भी पता है कि जब थर्ड पार्टी का ये डेथ का कार्ड निकलता है तो आप रीडिंग को देखिएगा, बहुत सारे कमेंट पढ़िएगा कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बोलते हैं कि डेथ का कार्ड आपकी रीडिंग में निकल जाता है ना तो वो रीडिंग 100% सच हो जाती है, और बहुत ही ज्यादा उसमें मजा आ जाता है कि हाँ हकीकत में वो चीजें कहीं ना कहीं हो जाती है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आए हैं, बहुत सारे लोगों का थर्ड पार्टी ब्रेकअप हुआ है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आए हैं। ठीक है, आप कमेंट पढ़िए, बातों को ना सुनिए, कमेंट पढ़िए कि कमेंट में क्या लिखते हैं लोग, कितने लोगों से रेजोनेट करती है, कितने लोगों से नहीं करती है, क्या है वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखिए। यहाँ अब दंड जो है मिलेगा, आने वाले 7 दिन ऐसे उछाल मारेंगे थर्ड पार्टी और पार्टनर के लिए कि बाहर निकल पड़ेंगे दोनों। एक ज्वालामुखी, एक टावर, मैंने क्या कहा टावर, एक ज्वालामुखी एक ऐसे दौर से फटेगा कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में टावर आने वाला है, गजब का टावर आएगा और उछाल मारेगी जिंदगी, दोनों ही दूर दूर जाके फेंकेंगे, मतलब कि दोबारा मिल ना पाए ऐसे सिचुएशन में ये दोनों दूर दूर चले जाएंगे। यहाँ अब दंड मिलेगा, दंड मतलब कि ऊपर वाले की लाठी बजने वाली है, और इस कदर बजेगी कि बस दोनों को दंड मिलेगा। यहाँ ऊपर वाले की तरफ से जजमेंट हो जाएगा, डियर जजमेंट, आप समझ सकते हैं ये जगलिंग वाली जिंदगी, ये जगलिंग वाला दौर सब खत्म होगा। ये जो दौर से आप गुजर रहे हो ना, ये आपकी जिंदगी से बहुत जल्द दूर होगा, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, प्यार खेल नहीं है डियर, आपने तो दिल से प्यार किया है ना मेरे व्यूवर्स, आपने तो दिल से प्यार किया, इसका मजाक किसने बनाया, पार्टनर ने। इसने क्या सोचा कि जाकर किसी और के साथ में रह लूंगा, एंजॉय कर लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर वाले से कुछ नहीं छुपा है, ऊपर वाला तो सब जानता है, ऊपर वाले को सब पता है कि आप इस इंसान से किस कदर जुड़े हुए हो, आपने इस इंसान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, परिवार इज्जत सब कुछ दांव पे लगा दी। इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने आपको ही दांव पे लगा दिया थर्ड पार्टी के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो दांव पेज आपके पार्टनर ने खेले हैं ना, वो इसके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। 7 दिन से 15 दिन के अंदर पार्टनर और आपके बीच में दूरियां जो है वो कम होगी, मैं बता दूं कम्युनिकेशन होगी, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो अनबैलेंस वाली एनर्जी है वो बैलेंस होगी, ये थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से चली जाएगी। इस थर्ड पार्टी ने जितनी नेगेटिविटी फैलाई है वो सब इसके ऊपर रिटर्न जा रही है, है ना, सब कुछ इसकी जिंदगी में खुद तूफान की तरह होता हुआ दिख रहा है। मैंने क्या कहा, 7 से 15 दिन में थर्ड पार्टी अपनी खुद की लाइफ, अपना खुद का फ्यूचर तार तार कर लेगी, खुद अपने मुंह से कुछ ऐसे गलत वर्ड्स यूज कर लेगी, खुद अपने मुंह से कुछ ऐसे गलत शब्दों का यूज कर लेगी कि इसकी जिंदगी जो है वो तार तार हो जाएगी। आप समझ सकते हैं दूरियां आपकी कम होगी और आपको पता चलेगा पार्टनर के हालात, आपको धोखा दिया अब पार्टनर धोखा खाएगा, पार्टनर के दिन भी शुरू हो गए ना, जब आपको इस इंसान ने नहीं समझा, जब आपके पार्टनर को यूनिवर्स समझा रहे हैं, डिवाइन समझा रहे हैं कि धोखा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, आज आपके पार्टनर की जिंदगी में जो नेगेटिविटी आ रही है, जो ये दौर आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर ने जो धोखा आपको दिया, जितना आपके साथ में गलत किया, आपको अंधेरे में रखा ना, उन सब की सजा आपके पार्टनर को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जानबूझ के आपके पार्टनर ने षड्यंत्र रचा था, और आज ये थर्ड पार्टी का साथ भी आपके पार्टनर को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को धक्का दिया जा रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को रिश्ता खत्म करने को बोला जा रहा है, और यहाँ पर ये सब कुछ जो करवा रहा है वो ऊपर वाला करवा रहा है, ऊपर वाले की लाठी बाज रही है और वो अब
बहुत जल्द न्याय कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जिस भी रिश्ते में बंधे हुए हैं उस रिश्ते से आजाद हो जाएंगे, उस रिश्ते से निकलेंगे, मूव ऑन करेंगे। डियर, उनको मूव ऑन करना पड़ेगा। किसी भी हाल में आपके पार्टनर को ये दोहरी जिंदगी से निकलना पड़ेगा। जब वो इस दोहरी जिंदगी से निकलेंगे, इस दोहरे युग से निकलेंगे ना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। थर्ड पार्टी जब से आई है ना, तब से आप दोनों का रिश्ता जो है वो खराब हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में जो हालात पैदा करे, आपको पता चला होगा। ये कार्ड क्या बता रहा है? देखिए जी, यहाँ पर जो बात मैं बोल रही थी उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके रिश्ते में अगर कोई नेगेटिविटी आई है तो वो थर्ड पार्टी के आने के बाद से आई है। थर्ड पार्टी के आने के बाद से आपका रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में दूरियाँ आ गई। आपके पार्टनर ने आपको धोखा देना शुरू कर दिया, आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। जो इंसान कभी आप को झूठ नहीं बोलता था, कभी आपको धोखा नहीं देता था, अचानक से उस इंसान के अंदर बदलाव देखने को मिला। अचानक से आपको ऐसा फील होने लगा कि इंसान जो है कैसे झूठ बोल सकता है, कैसे ऐसा कर सकता है। धीरे धीरे क्या होने लगा, आपने देखा कि इसके अंदर बहुत चेंज आया था। जब से थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी के आने से पहले भी आपकी लड़ाइयां होती थी, थर्ड पार्टी के आने से पहले भी आप दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन फिर एक हो जाया करते थे, फिर एक दूसरे को मना लिया करते थे। लेकिन जब से इस थर्ड पार्टी ने कदम रखा है ना आपकी जिंदगी में, तब से शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मनाना तो दूर की बात है, और जाकर अलग अलग सो जाना, अलग अलग रह जाना, घर नहीं आना है ना, खाना नहीं खाना, एक दूसरे से बात नहीं करना, आप भी ऐसे ही कर रहे थे, वो भी ऐसे ही कर रहे थे। तो यहाँ किसी तरह की नेगेटिविटी आप तक सेंड करी गई थी, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन हो गए, आप दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप वाली सिचुएशन में आ गए। और जगह किसने ले ली? उस थर्ड पार्टी ने। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आप दोनों का ब्रेकअप तो करा दिया और आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बांध दी, प्यार की, झूठ की, विश्वास की, कि थर्ड पार्टी से बढ़कर कोई अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। तो ऐसी चीजें करी गई है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छे हालात थे, पर थर्ड पार्टी जब से आई ना, तब से पार्टनर जो है पूरी तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो गायब हो गए, भाग गए है ना, बिना बताए जिंदगी से भागे हैं। डियर, जैसे बिना सिर पैर के भाग जाता ना इंसान, ऐसे कुछ हालात ऐसे खड़े करे इस इंसान ने कि बिना बताए आपको ये आपकी जिंदगी से गायब हो गया। बाद में पता चला कि भैया इस बंदे ने तो ये कांड कर लिया, ये कहीं पर रह रहा है या इसके साथ में कोई और रह रहा है और आपको ये छोड़ चुका है। आपको तो आज भी ये पता नहीं है कि इंसान किसके साथ में रह रहा है, बस इतना पता चल चुका है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में अपने मौज मस्ती के दिन जी रहा है, आपको धोखा देके भागा है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी निकल के आ रही है। आपकी, मुझे दिख रहा है कि आपको छोड़कर गए, आपको टेंशन देकर गए, यहाँ पर बहुत परेशान करा गया है, बहुत ज़्यादा परेशान करा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अब आपके जो टेंशन वाले दिन हैं, यहाँ पर 7 से 15 दिन के अंदर या तो आपका पार्टनर जो है ठोकर खा के आएगा, या तो ऐसे हालात आने वाले हैं कि उसके जो बुरे हालात हैं वो आपके सामने प्रेजेंट होने वाले हैं, और आप अपनी आंखों से देखोगे कि भाई इसके तो बहुत ही बुरे दिन शुरू हो गए हैं, बहुत ही बुरे हालात इसके शुरू हो गए हैं 7 से 15 दिन के अंदर। आप देखिएगा कि इसकी जिंदगी जो है, इसके जो लाइफ है, उसमें ऐसे ऐसे उछाल आएंगे कि आप बोलोगे कि ये मेरा ही पार्टनर है, लग नहीं रहा यार इसकी जिंदगी देख के, इसके हालात देखकर। तो वो चीजें यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब वो ऊपर वाले के यहाँ से हो रहा है। ऊपर वाला जो है, समय का पहिया जो है वो घूमता है, हर किसी की जिंदगी में एक ना एक चीज सही होती है। अगर आपकी जिंदगी में इस इंसान ने कभी कुछ सही नहीं करा तो इसकी जिंदगी में कैसे सही होगा? जब दूसरों के लिए खड्डा खोदा है तो खुद भी तो खड्डे में गिरेगा। आज वही हालात हो गए, वही हालात हो गए हैं। दिन बदलेंगे डियर, आपके पार्टनर जिसके बहकावे में थे ना, जिसके बहकावे में इन्होंने आपके साथ में गलत किया, चाहे वो फैमिली थी, चाहे वो कोई भी था, जिसके भी बहकावे में आपके पार्टनर ने ये गलत काम किया है, वो बहकावा इनको डुबा लेगा, वो बहकावा इनको खुद धोखे में ला रहा है। और सबसे बड़ा धोखा तब होगा जब इस थर्ड पार्टी, जिसके लिए इन्होंने घर छोड़ा, जिसके लिए अपनी दुनिया छोड़ी है ना, जिसके लिए इतनी ठोकरें खाई है ना, जिसकी गुलामी करी, वही इनको धोखे में रख रही है, वही इनको धोखा दे रही है। तो ये इंसान पागल होगा या नहीं होगा? तो पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि धोखा देने की सजा भी धोखा ही होती है ना। तो इस इंसान को बहुत ज्यादा चीजें
इफेक्ट करने वाली है, आपके साथ में जो गलत चीजें करी है वो भी इफेक्ट करेगी। और तो और डियर, 7 से 15 दिन तक आप देखिएगा कुछ तो बदलेगा, बहुत सारे चेंजेस आपके सामने आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आपको आपके पार्टनर के अंदर बदलते हुए दिखेंगे। जो भी थर्ड पार्टी ने नेगेटिविटी छोड़ी थी वो सारी नेगेटिविटी उसी थर्ड पार्टी के ऊपर रिटर्न हो रही है। मैंने कल भी आपको यही बताया था कि थर्ड पार्टी ने जिस भी तरह की नेगेटिविटी आपके रिश्ते पर डाली थी, आपके ऊपर करी थी, वो सारे रिटर्न हो रही है। मैंने काफी हद तक आपके ऊपर से नेगेटिविटी निकाली थी, काफी लोगों को रिलैक्स फील हुआ था, काफी लोगों की लाइफ से जो ड्रीम्स आ रहे थे, जो चीजें हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि हाँ वो कम हुआ है ना। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप मैसेज किए थे, और देखिए बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं, उनको बहुत हद तक राहत मिलती है। जरूरी नहीं है कि किसी तरह का स्पेल कराएं, जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी, आप कई लोग मुझसे बात करके भी हील हो जाते हैं, कई लोगों को मेरा हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो चीजें हैं वो मुझसे शेयर करते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है मेरे सजेशन से कि भाई मुझे ये रेमेडी शुरू करनी चाहिए, तो मैं उनको रेमेडी भी बताती हूँ और फिर वो लोग आगे के प्रोसेस भी मुझसे लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं थर्ड पार्टी रिमूव करती हूँ, ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूव करती हूँ, ईवेल आई किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव करने का वर्क मेरा है। ठीक है डियर, और ये सब कुछ पे है, कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है, कंसल्टेशन आपको लेनी पड़ती है, उसके बाद में सारी प्रोसेस शुरू होती है। ये मैं बता दूं, आपके पार्टनर आपसे बात भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब दिल टूटता है, जब दिल को ठेस पहुंचती है, जब ठोकर लगती है, तो एहसास होता है कि हमारे दिल को कोई समझे, हमें कोई समझे, हमें समझने वाला कोई होना चाहिए। तो यहां पर आपके पार्टनर को सपोर्ट की जरूरत होगी, यहाँ पर आपके पार्टनर को एहसास होगा कि उन्होंने पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया है, तो ये बात यहाँ पर दिख रही है। मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके पार्टनर जो है ना अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी को भी अपनी बातों में उलझा सकता हूँ, जैसे आपको उलझाया था, जैसे आपको प्यार का ड्रामा दिखाया था, जैसे आपको प्यार के इसमें उलझा लिया था कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ, वैसे ही इन्होंने थर्ड पार्टी को उलझा लिया, या फिर थर्ड पार्टी ने इन्हें उलझा लिया। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज समझते हैं, है ना, तो उसकी ठोकर इनको खानी पड़ रही है, मुंह की खाकर गिर रहे हैं। आपके पार्टनर जो झूठ बोल रहे थे ना, अब ये खुद धोखे में रह जाएंगे, इनके हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, थर्ड पार्टी से जबरदस्त तरीके से धोखा मिलने वाला है। अभी बहुत कुछ सीखना है डियर आपके पार्टनर को, अभी भी बाकी है आपके पार्टनर को। नेगेटिविटी जो इन्होंने आपके साथ में करी है ना, जो धोखा, जो चिटिंग आपके साथ में करी है, जिस तरह का इन्होंने टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ में करा है, सबका बदला यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी जो है इनकी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आई है, कर्मों का लेखा जोखा है डियर यहाँ पर। आप देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर भी रिमूव हो रही है, ये थर्ड पार्टी को निकलना ही होगा किसी भी कीमत पर, यहाँ से भी थर्ड पार्टी को निकलना है। हालांकि जरूर कर लिया था इसने आपके पार्टनर को, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी को जाना जरूरी है, क्योंकि जो टाइम है वो हो चुका है। अब सारी नेगेटिविटी जो है वो रिमूव हो रही है, क्योंकि खुद ऊपर वाले ने सारी नेगेटिविटी जो थी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, वो रिमूव करी है। देखिए क्या होता है कि ब्लैक मैजिक ऐसे तो कटता नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारे कर्म जो होते हैं ना, वो भी बहुत सारी चीजों को हम तक आने नहीं देते हैं, है ना। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया था, उसका ब्लैक मैजिक उसी पर बैकफायर हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, सब चीजें उसी पर जा रही है। तो यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है डियर। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज बोलूंगी कि ये नेगेटिविटी से आप अपने आप को हटा सकते हो, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ लाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और हीलिंग प्रोसेस को यूज कीजिए अपनी लाइफ के लिए। और ये जो जगलिंग भरी जिंदगी है ना, जिसमें आप बहुत ज्यादा उलझे रहते हो, पार्टनर क्या कर रहा होगा, पार्टनर की जिंदगी कैसी होगी, इससे बाहर निकालो अपने आप को, अपने आप को आप बैलेंस करने की कोशिश करो। इस थर्ड पार्टी के बारे में जरूरत से ज्यादा आप सोच रहे हो, इसके इसके
थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी, जो आप इसके पीछे लड़ते रहते हो, जो इसके पीछे आप बार बार एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हो, उसको अपनी जिंदगी से यूं सोच लो कि थर्ड पार्टी खत्म हो चुकी है, थर्ड पार्टी हट चुकी है, थर्ड पार्टी का सफाया हो चुका है, थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से जा चुकी है। आपको मैनिफेस्ट करना होगा और ये चीज होगी, बहुत जल्द होगी जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना कि थर्ड पार्टी जो है आपकी जिंदगी से जा चुकी है, थर्ड पार्टी का तो खात्मा हो चुका है और थर्ड पार्टी अब आपकी जिंदगी में नहीं है, है ना। इस बात की तरफ आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे यही बोलूंगी। चलिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज निकालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसा कौन सा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप जिस रास्ते पे हैं, आपको क्या करने की जरूरत है या आप किस रास्ते पे चलें ताकि आपकी लाइफ जो है, लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइफ में जो इतनी दिक्कतें आ रही है, वो कैसे निकल सकती है, वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ मैसेजेस मैंने निकाले, देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रही है। क्या बात है, सारे मैसेज येलो ही आए हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। चलिए काफी मैसेज हमारे पास में आए हैं। सबसे पहले तो अब आपकी जिंदगी में एक राइट टाइम आ गया है, ठीक है डियर। तो ये राइट टाइम ऐसे ही नहीं आया है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर कह रही है कि राइट टाइम शुरू हो चुका है। आप दोनों का जो सोल कनेक्शन है, वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। ये कनेक्शन आपको आपके पार्टनर की तरफ खींच रहा है, आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास भी करा रहा है कि उसने अपनी सोल के साथ में चीटिंग करी है, उसने अपनी सोल के साथ में धोखा करा है। वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक ऐसा भी चीज यहाँ पर दिख रही है कि गाइडेंस यहाँ पर आती हुई दिख रही है, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। वो आपके पार्टनर तक जा रही है, आपके पार्टनर को कुछ तो गाइड कर रहा है यूनिवर्स, कुछ तो बता रहा है। और अगर वो नहीं समझ रहा है अभी भी, तो उसको दर्द सहना पड़ेगा, उसको पेनफुल सिचुएशन से गुजरना ही पड़ेगा। और अभी भी अगर वो नहीं समझते हैं, चीजों को बैलेंस नहीं करेंगे, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, तो यहाँ पर उनको दंड सहना पड़ेगा। तो यहाँ पर की एक स्पेशल जर्नी शुरू हो चुकी है, एक ऐसे स्पेशल जर्नी जिससे आपके पार्टनर को लेसन सीखना है और सीखना ही पड़ेगा, वरना यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, उनको ये बता रही है कि भाई लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, इसे समझो। तुमने प्यार के साथ में खिलवाड़ करा, तुमने लव के साथ में खिलवाड़ करा, है ना। फिजिकल डिस्टेंस आपके पार्टनर मेंटेन करते रहे आपके साथ में और किसी और के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व होते रहे, ये तो गलत बात है। माइंड गेम आपके पार्टनर ने खेले हैं, ये बहुत गलत बात है और यूनिवर्स इस बात से नाराज है। डिवाइन कह रहे हैं कि इन्होंने जो चालाकियां करी है, अब इनके दर्द को इनको सहना पड़ेगा, ये दर्द इनको सहना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है पैशनेट आपके पार्टनर, अब आपकी तरफ इनको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पैशनेट वाली एनर्जी इनकी तरफ हो रही है और अगर अभी भी अपनी एनर्जीज को नहीं समझेंगे, अभी भी ये इस एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पर इनको यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो कहीं ना कहीं दर्द देंगे, ठीक है। तो दर्द इनको मिलेगा डियर, क्योंकि इनको अच्छे से गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, किसी की तरफ से गाइडेंस भी मिल रहा है कि भाई निकलो निकलो, राइट टाइम आ गया है। और अभी भी अगर ये राइट टाइम को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी ये राइट चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इनसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। अब आपके पार्टनर को यहां पर निकलना ही होगा, ठीक है डियर। तो ये है रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपने देखा कि क्या आपके पार्टनर का नजरिया है थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी का नजरिया क्या है आपको लेकर, और आपके पार्टनर को लेकर और आपको लेकर भी क्या बातें चल रही है, वो भी यहाँ पर निकल के आई है। आई होप आप लोगों को रीडिंग जो है अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा, कुछ रेजोनेट करा होगा। डियर काफी लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत कुछ ट्रू रहता है, बहुत कुछ राइट रहता है। और आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने दिल की बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं, कोई गाइडेंस आप ले सकते हैं और अपने आप को हील करा सकते हैं। हीलिंग प्रोसेस भी मैं करती हूँ, ठीक है डियर। तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे कॉल मत लगाइए, ठीक है, मैसेज छोड़ दीजिए, मैसेज का रिप्लाई आपको मिलता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने मुझे अभी मेरे से कंसल्टेशन लिया और फिर आपसे मैं तुरंत बात कर लूंगी, क्योंकि जो लोग पहले से लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी तो बात करनी होती है, उन लोगों को भी रिप्लाई देना रहता है। तो भाई नंबर के हिसाब से कभी कभी हो जाता है कि हाँ तुरंत कॉल हो जाती है, लेकिन 2 डेज तो फिर भी कंसल्टेशन के बाद में लगता ही है, ठीक है डियर टाइम, ठीक है। और
फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो डियर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।